हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी। और जैसा कि आपको पता है, हम एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करें यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो या उड़ीसा पीएससी हो, आप सबके लिए एंशियंट हिस्ट्री वाला कोर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हम पार्ट है वो कहाँ से कवर कर रहे हैं, तो तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक आती है, हम वहाँ से कवर कर रहे हैं। तो उसकी लिंक आप चाहे तो उसको डायरेक्टली आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल पे नहीं मिलता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और इसके पहले के जो सारे लेक्चर्स हम लोगों ने बनाए हैं चैप्टर 10 तक, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी है। आप चाहे तो वहाँ से जाके डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तमिलनाडु क्लास 11 हिस्ट्री, जिसमें अभी हम एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, उसका एक रिविजन सीरीज़ भी आएगी, जो जिसमें मैं सारा एकदम क्विक रिविजन वाला पार्ट भी लेकर आऊँगी जल्दी ही, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 11, चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम साउथ इंडियन किंगडम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो नॉर्थ इंडिया में जो जो किंगडम्स इमर्ज हुई उसके बारे में पढ़ा है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साउथ इंडिया की जो किंगडम्स इमर्ज हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पल्लवास से, उसके बाद हम चालुक्या, राष्ट्रकूटाज और इंपीरियल चोलास जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि पल्लवास का ओरिजिन कैसे हुआ था, महेंद्र वर्मन कौन थे, नरसिम्हा वर्मन कौन थे और राजसिम्हा कौन थे और इनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, पल्लवास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, एजुकेशन और लिटरेचर में पल्लवास का क्या रोल हुआ करता था और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ था पल्लवास के टाइम पे। देखो, सबसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है संगम एज, संगम एज के बारे में चैप्टर 8 है या चैप्टर 7 है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था, और क्या क्या उसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आप वो भी देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये साउथ इंडिया की बुक है, तमिलनाडु की बुक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कौन सा यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। और अगर आपको देखना है कि टॉपर्स की बुक लिस्ट क्या होती है, तो उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 2 दोनों जो टॉपर्स थे उन्होंने तमिलनाडु की क्लास 11 और 12 की हिस्ट्री ही फॉलो की है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और संगम एज का जो लिंक है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, ये तो हो गया इस सब के बारे में। आप चाहे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हुआ क्या था, पल्लवास का रूल कैसे स्टार्ट हुआ था। तो जब संगम एज स्टार्ट हुआ था, संगम एज जब तमिल में ग्रो कर रहा था, उसका जब डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन होने के बाद काल्वराज का रूल आ गया था, हमने देखा था। अब काल्वराज जो थे उन्होंने कितने ईयर्स रूल किया, 250 ईयर्स रूल किया। उसके बाद पल्लवाज आए थे जिन्होंने अपनी किंगडम स्टैब्लिश की थी तोंडई मंडलम में विद इट्स कैपिटल, और इनकी कैपिटल कौन हुआ करती थी, कांचीपुरम। ठीक है, और इनका रूल कंटिन्यू रहा था तोंडई मंडलम में, फिर इनको एनेक्स किसने कर लिया था, इंपीरियल चोलास ने। जब तक चोलास ने इनको एनेक्स नहीं किया था तब तक पल्लवास का रूल रहा था, और कब इंपीरियल चोला ने इनको एनेक्स किया था, तो वो 10th सेंचुरी AD में किया था। ठीक है, उसके पहले जो रूल रहा था वो पल्लवास का रहा था। तो साउथ इंडिया में कैसे चला था, पहले वहाँ पे तमिलनाडु में कौन रूल किया करता था, सबसे पहले संगम रूल हुआ करता था वहाँ पे। ठीक है, चेरा चोला पांड्या, पांड्यंस का रूल हुआ करता था, जो संगम लिटरेचर जिन्होंने स्टार्ट किया था उनको हरा कर आ गए थे काल्वराज, और उसके बाद आए थे ये पल्लवास, और पल्लवास के बाद फिर चोला आएंगे। ठीक है, तो ये रूल हुआ करते थे। अब मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ कौन सी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो लोकेशन है ये पल्लवास के अंडर में आती थी, पिंक वाला। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल थी वो थी कांची, आपको दिख रही होगी, एक सेकेंड, ये है कांची, कांचीपुरम भी इसको बोलते हैं, और इनका रूल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ था, और यहाँ पे चालुक्य रूलर रूल किया करते थे जिनसे इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी था। ठीक है, ओके, और ऊपर हर्षा का एम्पायर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पल्लवा का ओरिजिन क्या हुआ था, इसके बारे में क्या क्या व्यूज़ हैं, इसके लिए अलग 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 लोग अलग अलग ओरिजिन बताते हैं पल्लवास का। पहला जो व्यू है वो बोलते हैं कि ये पार्थियंस हैं,
जो पार्थियंस का इन्वेजन हुआ था, उन वो जो फॉरेनर्स थे जो वेस्टर्न इंडिया में रूल करने आए थे, इन उससे इक्वेट करते हैं कुछ लोग। दूसरा व्यू ये है कि जो पल्लवास जो हैं वो ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी थी वकाटकास की। अब हम लोगों ने गुप्ता एम्पायर के टाइम पे पढ़ा था कि चंद्रगुप्त टू ने अपनी जो बेटी की शादी वकाटका रूलर से की थी और उसकी हेल्प से साका रूलर्स को हराया था। तो जो वकाटकास थे उन्हीं की एक ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी की ब्रांच है ये पल्लवा रूलर, ठीक है। तीसरा जो व्यू है वो किससे रिलेट करता है, पल्लवास को ये बोलते हैं कि ये चोला प्रिंस के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। जो चोला प्रिंस बाद में आए थे उन्हीं के डिसेंडेंट्स थे, और चोला प्रिंस और नाग प्रिंसेस जो कि नेटिव थी मनी पल्लवम की, उन दोनों के डिसेंडेंट्स थे। बट जो ओरिजिन है पल्लवा का वो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। तो बाद में क्या व्यू निकल के आया कि जो पल्लवास थे वो कौन थे, तो पल्लवास जो थे वो नेटिव्स हुआ करते थे तोंडई मंडलम के इटसेल्फ, ऐसा फाइनल व्यू निकल के आया है। ये बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा वो किसके आइडेंटिकल थे, पुलिंदास, जो कहाँ पे मेंशन किया गए हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तोंडई मंडलम को जब सतवान, हमने पढ़ा था अशोका एम्पायर के बाद जो पूरा इंडिया है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसमें साउथ इंडिया में जो किंगडम रूल स्टार्ट होता है वो सतवाहनास का होता है। तो जो सतवाहनास ने जब तोंडई मंडलम को कॉन्कर कर लिया था, तब पल्लवास जो थे ना उनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, मतलब उनके अंडर में ऐसे छोटे मोटे रूलर हुआ करते थे। जब सतवाहनास का फॉल हुआ 3rd century AD में, तब जाके पल्लवास इंडिपेंडेंट हुए, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी इशू किए, जैसे प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, क्योंकि उनके सतवाहनास के साथ कनेक्शन थे, और सतवाहनास जो थे वो ब्राह्मणिज्म को भी पेट्रोनाइज करते थे, तो उस टाइम उनकी प्राकृत लैंग्वेज भी वो फॉलो करते थे और संस्कृत लैंग्वेज भी फॉलो करते थे। अब इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो क्या है, जो अर्ली पल्लवा रूलर्स थे वो 250 AD से 350 AD के बीच में है, और तब जो पल्लवा रूलर्स थे उन्होंने जो अपने चार्टर इशू किए हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में इशू किए हैं। ये याद रखना, आप ध्यान से पढ़िएगा। उस टाइम के जो इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे वो थे शिवस्कंद वर्मन और विजयास्कंद वर्मन, ठीक है। फिर जो सेकेंड लाइन थी पल्लवा रूलर की जो स्टार्ट हुई थी वो 350 AD से 550 AD के बीच में स्टार्ट हुई थी। अब इन्होंने जो चार्टर इशू किए थे वो कौन सी लैंग्वेज में इशू किए थे, संस्कृत लैंग्वेज में इशू किए थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे इस टाइम के वो थे विष्णुगोपा, ठीक है, जिसको कि हु वॉज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। हाँ, हमने गुप्ता एम्पायर में पढ़ा था समुद्रगुप्त साउथ इंडिया की साइड आया था एक्सपीडिशन करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे साउथ इंडियन रूलर्स को हराया था और उनसे एक्नॉलेज करवाया था अपनी किंगडम को, लेकिन उनको उनकी किंगडम वापस से दे दी थी, ठीक है, सिर्फ वो उनके कंट्रोल में थे ऐसा उन्होंने एक्नॉलेज करवाया था। तो ये एक वही राजा थे विष्णुगोपा जिसको समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया में डिफीट किया था, ठीक है। अब जो थर्ड लाइन थी वो 575 AD से जब तक 9th century में इनका फॉल हुआ था, जब चोला ने इनको एनेक्स कर लिया था तब तक चलेगी। तो तीन लाइन हो गई, पहली 250 से 350 AD के बीच में, वो प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करती थी जिसके रूलर थे शिवास्कंद वर्मन और विजयास्कंद वर्मन। सेकेंड जो लाइन थी वो 350 AD से 550 AD के बीच में चलेगी, जिसके जो कौन सा चार्टर इशू किए जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में स्टार्ट किए, और उसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो विष्णुगोपा थे जिनको समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था। जो थर्ड लाइन थी वो 575 से 9th century तक चलेगी, जिन्होंने संस्कृत और तमिल दोनों लैंग्वेज में अपने चार्टर इशू किए थे, और इनके जो फर्स्ट रूलर हुआ करते थे वो थे सिम्हा विष्णु, उनके फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कल्भरास को डिस्ट्रॉय करके अपने पल्लवा रूल को स्टार्ट किया था तोंडई मंडलम में। तो कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने कल्भरास को ख़त्म कर दिया था साउथ इंडिया से, तो वो थे सिम्हा विष्णु, ठीक है। साथ में उन्होंने चोलास को भी डिफीट किया था और अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर दिया था कावेरी रिवर तक। अदर ग्रेटर रूलर कौन से थे इसी लाइन में, महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1 एंड नरसिम्हा वर्मन 2, ये सारे रूलर्स आगे आएंगे, ओके। अब मैं आपको एक बार कावेरी रिवर बता देती हूँ कहाँ तक इन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया था। ये देखिए, यहाँ तक इन्होंने अपना कावेरी रिवर तक अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था। चलिए नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन 1 आते हैं। महेंद्र वर्मन 1 का जो टाइम पीरियड है आप नोट कर लीजिएगा, 600 से लेके 630 AD के बीच में है। ये
इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, और जो पुलकेशिन टू था जिसको जिसने हर्षा को भी हराया था, तो उन्होंने ये महेंद्रवर्मन वन को भी डिफीट कर दिया था, और जो इनका इनकी किंगडम का नॉर्दर्न पार्ट था वो भी एनेक्स कर लिया था। ऑल दो पल्लवा इंस्क्रिप्शन में महेंद्रवर्मन वन की जो विक्ट्री है उसको मेंशन किया है कि उन्होंने पुलालूर तक अपनी विक्ट्री प्रूव कर दी थी, लेकिन जो टेरिटरी वो लॉस कर चुके थे, जो ऑलरेडी चालुक्या ने एक्वायर कर ली थी, वो उनको नहीं रिकवर कर पाए थे। ठीक है, तो याद रखना ये पुलकेशिन टू बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है चालुक्य रूलर का। इसने हर्षा को भी हराया था और नॉर्थ में, और साउथ में इन्होंने महेंद्र वर्मन वन को भी हराया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम चालुक्या में भी पढ़ेंगे, बट स्टिल आप यहाँ के लिए भी याद रखिए। अब महेंद्र वर्मन जो थे वो पहले जैनिज्म के फॉलोअर थे अपने स्टार्टिंग वाली लाइफ में, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को सेविज्म में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि वो सिवा सेंट जो थे थिरुनावुक्करसर अलियास अप्पर, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इस वजह से उन्होंने शिवा टेम्पल भी बनाया था थिरुबाड़ी में, और उन्होंने बहुत सारे टाइटल लिए थे अपने आप को। गुणभारा बोलते थे वो, सत्य संधा बोलते थे, चित्ताकारी मतलब जो टेम्पल बिल्डर होता है उसको चित्ताकारी होते थे वो, चित्रकार पुली उनको टाइटल दिया गया था, विचित्र चित्त उनको टाइटल दिया गया था, और माता विलासा उनको टाइटल दिया गया था। तो ये सारे टाइटल आपको लर्न करने हैं। उसके अलावा वो केव टेम्पल के लिए ग्रेट बिल्डर थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे केव टेम्पल्स बनवाए थे। मंदागापत्तू इंस्क्रिप्शन में उनको विचित्र चित्त बोला गया है, जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराता है किसके, ब्रह्मा विष्णु शिवा के, विदाउट यूज़ ऑफ, मतलब उन्होंने कोई ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया था, टिम्बर का यूज़ नहीं किया था, मेटल का यूज़ नहीं किया था, मोर्टार का यूज़ नहीं किया था, वो सिंपल जो केव टेम्पल्स होते हैं ना वो बिल्ड किया था। ठीक है, केव जो होती थी उनको टेम्पल के फॉर्म में किया था, या फिर रॉक कट टेम्पल वो लेकर आए थे। ठीक है, उनके जो रॉक कट टेम्पल्स थे वो बहुत सारी प्लेसेस में मिले, जैसे वल्लाम, महेंद्रबाड़ी, दलावनर, फिर पल्लवरम, और ये मंडगापट्टू और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, और उन्होंने एक संस्कृत वर्क भी लिखा था जिसका नाम है माता विलासा प्रहासनम। देखो मैंने बताया था इनको एक टाइटल मिला था माता विलासा, वो इसी वजह से लिखा था क्योंकि इन्होंने ये इनका जो संस्कृत वर्क था माता विलासा प्रहासनम, ये आपको लर्न करना है कि इन्होंने कौन सा संस्कृत वर्क लिखा था। तो माता विलासा प्रहासनम इन्होंने लिखा था, और इनको जो टाइटल दिया गया था चित्रकार पुली, वो ये रिवील करता है कि ये पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड थे। ठीक है, साथ में ये म्यूज़िक में भी काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे। म्यूज़िक इंस्क्रिप्शन लिखा कुदुमिना मलाई, एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें उनको इस डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हुआ करते थे। तो ये महेंद्र वर्मन के बारे में था कि वो पेंटिंग भी अच्छा करते थे, उन्होंने केव टेम्पल्स भी बनवाए थे, संस्कृत वर्क भी लिखा था माथा विलासा प्रहासना, बस वो पुलकेशिन टू से उनकी डिफीट हो गई थी, ये भी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब सेकंड जो हम रूलर पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ये है नरसिम्हा वर्मन वन, 630 से लेकर 668 AD। इनको ममल्ला भी बोला जाता है, ममल्ला का मतलब होता है ग्रेट रेसलर, ये बहुत बड़े रेसलर थे। इन्होंने जो उनके फादर थे महेंद्र वर्मन वन, जिसको पुलकेशिन टू ने डिफीट कर दिया था, तो उसका एवेंज लेने के लिए इन्होंने चालुक्यन रूलर जो था पुलकेशिन टू उनको डिफीट कर दिया था, और विक्ट्री मिल गई थी इनको पुलकेशिन टू के ऊपर। कौन सी बैटल में, तो बैटल ऑफ मनी मंगलम। तो ये बैटल ज़रूर याद रखना कि कौन सी बैटल थी जिसमें नरसिम्हा वर्मन वन ने किसको हरा दिया था, पुलकेशिन टू को हरा दिया था, कांची के पास में हुई थी। ठीक है, और ये चीज़ें किस चीज़ में मेंशन है, कुराम कॉपर प्लेट में मेंशन है कि नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलकेशिन टू को हरा दिया था। ठीक है, अब जो पल्लवा आर्मी थी जनरल प्रंजोथी के अंडर में, उन्होंने रिट्रीट किया था चालुक्य आर्मी को, और चालुक्य टेरिटरी में एंटर कर गए थे, और वहाँ पे जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल सिटी जो हुआ करती थी चालुक्य की, वो थी बतापी, उसको कैप्चर कर लिया था। फिर इस वजह से नरसिम्हा वर्मन वन ने खुद को टाइटल क्या दिया था, बतापी कोंडा, जिसने बतापी को हरा दिया, और अपनी जो भी लॉस्ट टेरिटरी थी उसको रीगेन कर लिया था। ये बहुत बड़ा नोटेबल अचीवमेंट था। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने की थी, इन्होंने एक नेवल एक्सपेडिशन किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि इनके जो एक फ्रेंड थे श्रीलंकन प्रिंस मना वर्मन, उनको रीस्टोर करने के लिए।
ठीक है। तो ये दो इनकी लाइफ के फेमस एक्सपीडिशन थे, एक तो पुलकेशिन टू के अगेंस्ट और एक श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है। ये दोनों याद रखिए। मैं आपको वतापी कहाँ आता है वो भी एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पल्लवा एम्पायर है, ये कांची इनकी कैपिटल है, ये चालुक्य डायनेस्टी है, इनकी जो कैपिटल है वतापी, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब क्या हुआ था, देखो जो पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन का टाइम था, ये देखो इनकी इनका लाइफ इनका जो टाइम है वो है 630 से 668, और हर्षा का जो टाइम था वो था 606 से लेकर 647 AD, मतलब ये दोनों कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। अब हर्षा के टाइम पे हुएन सेंग आए थे, तो ऑब्वियसली है कि नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पे भी आए थे। तो हुएन सेंग ने पल्लवा कैपिटल को विजिट किया था, कांचीपुरम को, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कांची जो है वो एक बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है जो 6 माइल्स में फैली हुई है, और यहाँ पे 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है। कितनी मोनेस्ट्रीज हैं, 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जिनमें कम से कम 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, ठीक है। अब जो और उनके अकॉर्डिंग जो कांची था ना, वो ग्रेट लर्निंग सेंटर था, जहाँ पे गतिका एट कांची जो था वो ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था। फिर नरसिम्हा वन जो थे वो फाउंडर थे ममल्लापुरम के, ठीक है। ममल्लापुरम जो एक प्लेस है साउथ इंडिया में, उसको किसने फाउंड किया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने किया था। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हु फाउंडेड द ममल्लापुरम, और ममल्लापुरम के क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में या कहीं पे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मोदी और सी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई थी वो ममल्लापुरम में ही हुई थी, ठीक है, 2019 में। ओके, अब ये ममल्लापुरम के फाउंडर हैं। इसके अलावा मोनोलिथिक रथ जो थे वो इन्हीं के टाइम पर बनाए गए थे। तो पूछा जाता है कि मोनोलिथिक रथ किस कौन से पल्लवा रूलर के टाइम पे बनाए गए थे, तो नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पे बनाए गए थे। अब नए दूसरे रूलर आते हैं, वो है नरसिम्हा वर्मन टू, और इनको राज सिम्हा भी बोला जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है 695 से 722 AD के बीच में है। अब नरसिम्हा वर्मन वन जो थे उनको किसने सक्सीड किया था, महेंद्र वर्मन टू ने किया था, उसके बाद परमेश्वर वर्मन वन ने किया था। उनके टाइम पे पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहे थे, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन टू आए थे जो पल्लवा किंगडम के रूलर बने थे। इनको राज सिम्हा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, राज सिम्हा भी बोला जाता है। इनका जो रिजीम है वो पीसफुल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लिया करते थे। इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाए थे, एक शोर टेम्पल बनवाया था ममल्लापुरम में जिसको मोदी जी ने विजिट किया था, एक कैलाश नाथा टेम्पल बनवाया था कांचीपुरम में। तो कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट टेम्पल नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाए थे, तो एक शोर टेम्पल बनवाया था ममल्लापुरम में और एक कैलाश नाथा टेम्पल बनवाया था कांचीपुरम में। ये दो इंपॉर्टेंट टेम्पल इनके टाइम पे बनाए गए थे, ठीक है। और वो ग्रेट पेट्रोन थे आर्ट और लिटरेचर के, तो हमने देख ही लिया। संस्कृत स्कॉलर जो थे दांडीन, जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, वो दांडीन इनके कोर्ट में भी थे, ठीक है। और इन्होंने चाइना को अपनी एम्बेसी सेंड की थी, मैरीटाइम ट्रेड इनके टाइम पे हुआ करता था। राज सिम्हा ने टाइटल लिया था संस्कार भक्त और बध्या विद्याधारा और अगाम प्रिय, ठीक है, ये टाइटल्स इन्होंने लिए थे। अब इनको किसने सक्सीड किया था, तो परमेश्वर वर्मन टू ने इनको सक्सीड किया था एंड नंदी वर्मन टू ने किया था। फिर 9th सेंचुरी AD आते आते पल्लवा रूलर ख़त्म होने लग गए थे, तो जो चोला किंग थे आदित्य वन, कौन से चोला किंग, आदित्य वन ने लास्ट पल्लवा रूलर अपराजिता को डिफीट कर दिया था, ठीक है, और कांची रीजन को सीज कर लिया था, और इससे ही फिर पल्लवा डायनेस्टी एंड हो गई। तो आपको याद रखना है पल्लवा डायनेस्टी के वो तीन लाइन में जो चली थी, और जो थर्ड लाइन का स्टार्ट किसने किया था, सिम्हा विष्णु ने किया था, फिर महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन, महेंद्र वर्मन टू, नरसिम्हा वर्मन टू आए थे, उसके बाद ये परमेश्वर वर्मन टू आए, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर याद रखना अपराजिता। पूछा जाता है कि लास्ट SSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूलर्स के ऊपर कि कौन सी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा, फर्स्ट रूलर कौन सा, और कौन कौन से रूलर हुआ करते थे, सीक्वेंस दे देते हैं, मैच द फॉलोइंग आ जाता है, ऐसे करके सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन SSC में आपको पूछे जाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ करता था पल्लवास के टाइम पे, पल्लवास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। जो स्टेट थे वो किस में डिवाइड थे, कोताम्स बोलते थे, और कोताम को एडमिनिस्टर कौन किया करता था, ऑफिसर्स अपॉइंट, ऑफिसर्स इनको
एडमिनिस्टर किया करते थे, और उन ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता था, तो किंग्स अपॉइंट करते थे, ठीक है। जो राजा हुआ करता था वो ही ऑफिसर्स को अपॉइंट किया करता था। जो राजा था उसको वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, और उसको बहुत सारे एबल मिनिस्टर क्या करते थे, असिस्ट किया करते थे। वो फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, मतलब जस्टिस करने का राइट किसके पास हुआ करता था, राजा के पास हुआ करता था। उनकी वेल ट्रेंड आर्मी थी, वो लैंड ग्रांट में दिया करते थे टेम्पल को, जिसको बोलते थे देवधन। मतलब टेम्पल को जो लैंड ग्रांट किया जा रहा है उसको देवधन बोलेंगे, और ब्राह्मणास को जो लैंड ग्रांट किया जाएगा उसको ब्रह्मदेय बोलेंगे, ठीक है। देखो, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट जो किया गया उसको ब्रह्मदेय बोलेंगे। अब ये एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं लैंड के लिए वो प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब राजा की होती थी। तो बहुत सारे नंबर ऑफ इरीगेशन टैंक्स जो होते थे वो पल्लवा किंग्स ने डक करवाए थे, खुदवाए थे। इरीगेशन जो टैंक थे महेंद्रबाड़ी, फिर ममंदूर, इन सब जगह पे महेंद्र वर्मन वन के टाइम पे बहुत सारे इरिगेशन टैंक बनवाए गए थे। फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है टैक्स सिस्टम के बारे में पल्लवा इंस्क्रिप्शन में। लैंड टैक्स जो था वो प्राइमरी सोर्स था गवर्नमेंट रेवेन्यू का। देखो, हर जगह हर रूलर केस में यही होता है कि लैंड टैक्स या जो टैक्स कलेक्शन उनका प्राइमरी सोर्स हुआ करता था, ठीक है। फिर ब्रह्मदेय और देवधन जो थे उनको उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था। उसके अलावा जो भी ट्रेडर्स आर्टिशंस होते थे, जैसे कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, वॉशरमैन, ऑयल प्रेसर, वीबर, ये सारे टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को। पल्लवा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, जिनमें सभाज हुआ करती थी और उनकी कमिटीज़ हुआ करती थी। और ये जो सभा हुआ करती थी वो रिकॉर्ड मेंटेन करती थी विलेज के, लैंड्स के, और लोकल अफेयर्स को देखती थी, और टेंपल्स को मैनेज करती थी, क्योंकि टेंपल्स बहुत ज़्यादा बिल्ड किए गए थे पल्लवा रूलर्स, तो उन टेंपल्स को मैनेज भी करने के लिए एक सभा और उसकी कमिटी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी कैसे हुआ करती थी पल्लव, अब हमको पता है कि ये ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे, तो जहाँ ब्राह्मणिज्म आ जाता है वहाँ कास्ट डिस्टिंक्शन होता ही होता है, इसलिए कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। ब्राह्मण्स अपर लेडर में आते थे, उनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, और उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पल्स को देखना होता था। पल्लवा पीरियड में विटनेस किया गया था कि जो सेविज़म और वैष्णविज़म का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। अब हम भक्ति मूवमेंट, एक आगे चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे कि जो शिवाज सेविज़म को जो प्रमोट करेगा वो नयनमार्स होंगे, और वैष्णविज़्म को जो करेंगे वो अल्वर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये भक्ति मूवमेंट में हम देखेंगे, इन्होंने बहुत सारे हाइम्स तमिल लैंग्वेज में कंपोज किए थे, ठीक है, नयनमार्स और अल्वर्स ने। इनके जो हाइम्स हैं वो डिवोशन और भक्ति के ऊपर लिखे गए हैं, और इन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो पल्लवा किंग ने किया था वो और ज़्यादा इन जो दो रिलीजन के स्प्रेड को बढ़ाता है, क्योंकि दोनों टेंपल कंस्ट्रक्शन किया है तो वो रिलीजन को भी काफ़ी प्रमोट करेगा। अब एडुकेशन और लिटरेचर में क्या योगदान था, ग्रेट पैट्रोन ऑफ लर्निंग हुआ करते थे पल्लवा रूलर्स, और उनकी जो कैपिटल थी कांची वो सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करती थी, और गतिका एट कांची जो थी वहाँ पे सिर्फ इंडिया से स्टूडेंट्स नहीं आते थे, इवन अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स आते थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, ठीक है। फाउंडर जो थे कदम द फाउंडर ऑफ कदम्बा डायनेस्टी मयूर सरमन स्टडीड वेदाज एट कांची। जो कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर थे मयूर सरमन, उन्होंने वेद पढ़े थे कांची में। फिर दिगंगा जो बुद्धिस्ट राइटर थे वो भी कांची में पढ़े थे। धर्मपाल जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे वो भी कांची में पढ़े थे, ठीक है। भैरवी जो ग्रेट संस्कृत स्कॉलर है वो जो सिम्हा विष्णु के टाइम पे थे वो भी कांची में पढ़े थे। दांडीन जो नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे स्कॉलर थे वो भी कहाँ पर पढ़े थे, कांची में पढ़े थे, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन ने संस्कृत प्ले लिखा था जिसको बोलते हैं माता विलासा प्रहासनम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और भी बहुत सारे तमिल लिटरेचर डेवलप हुए थे, जैसे नयनमार्स अल्वर्स ने बहुत सारे हाइम्स लिखे थे तमिल लैंग्वेज में। देवरम कंपोज किया था नयनमार्स ने, और ये कंपोज किया था अल्वर्स ने, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे उस पता नहीं क्या क्या इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं तमिल वाले, साउथ इंडियन वाले लोग, मुझे नहीं समझ में आता छोटे छोटे वर्ड्स क्यों नहीं यूज़ करते। तो रिलीजियस लिटरेचर जो थे पल्लवा पीरियड के वो इस टाइम पे लिखे गए थे। फिर पेरुदनावर वॉज पेट्रोनाइज बाय द नंदी वर्मन टू, और उन्होंने महाभारत को भी ट्रांसलेट किया था तमिल लैंग्वेज में। उसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई हैं,
पल्लवास के टाइम पे। अब पल्लवास का जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्ट और आर्किटेक्चर। ये ग्रेट एज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी इनके टाइम पे। पल्लवास ने क्या किया था, टेम्पल का एक्सकेवेशन किया था रॉक से। पहले रॉक का टेम्पल बनाए जाते थे, और जो द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था वो पल्लवा रूल्स से ही स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कब से स्टार्ट हुआ था, तो पल्लवा रूलर से स्टार्ट हुआ था। ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ था, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली टेम्पल बनने लग गए। पहले जो था केव टेम्पल्स बनाए गए, फिर मोनोलिथिक रथ टेम्पल बनाए गए, और उसके बाद फिर वो फाइनली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाने लग गए थे। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर चार स्टेजेस में स्टार्ट हुआ था। पहला जो स्टेज था, पहले स्टेज में कौन आया था, महेंद्र वर्मन वन आए थे। उन्होंने रॉक कट टेम्पल स्टार्ट किया था, जो बहुत सारी प्लेसेस में मिलता है। ये सारी प्लेसेस पे रॉक कट टेम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आई थी पल्लवा आर्किटेक्चर की, वो थी मोनोलिथिक रथ और मंडपास, जो ममल्लापुरम में बनाए गए थे। ममल्लापुरम में बनाए गए थे मतलब किसने बनाए, नरसिम्हा वर्मन वन ने बनाए थे, ठीक है। अब बहुत सारे पांच रथ इनके फेमस थे, जिनको पंच पांडव रथ बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, पंच पांडव रथ बोला जाता है, जिनमें पाँच अलग अलग स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। और मंडपास भी उस टाइम पर बनाए जाते हैं। मंडपास मतलब क्या होता है, जब आप किसी मंदिर में जाते हो उसके बीच में एक असेंबली हॉल जैसा पड़ता है, उसको मंडपास बोलते हैं, ठीक है। वहीं के जो वॉल्स हुआ करती थी ना, उन पे बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाया करते थे, जिससे वहाँ पे लोग बैठे तो उनको देख सके, ठीक है। तो ऐसे बनाए गए थे, बहुत पॉपुलर मंडपास बनाए गए थे तिरुमूर्ति में और बरहा मंडपम, ये सारे बहुत फेमस मंडपम हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के जो टेम्पल बनाए वो राज सिम्हा ने बनाए थे। इन्होंने जो बनाए थे वो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे, ठीक है। तो ये सॉफ्ट सैंड रॉक से बनाए हुए टेम्पल्स हैं। कौन कौन से दो फेमस हैं, एक तो कैलाश नाथा टेम्पल एट कांचीपुरम, दूसरा शोर टेम्पल एट ममल्लापुरम। मैंने जो बताया था शोर टेम्पल ममल्लापुरम में, जिसने मोदी और सी जिनपिंग ने उसको विजिट किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो ये दो उसमें से भी जो कैलाश नाथ शोर टेम्पल एट फाइनेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल टेम्पल ऑफ पल्लवास को, कैलाश नाथ टेम्पल जो है वो मास्टर पीस है पल्लवा आर्ट का, ठीक है। ये दोनों टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, रट लेना मतलब। उसके बाद जो लास्ट स्टेज थी पल्लवा आर्ट की, वो जो लेटर पल्लवास थे उन्होंने बनवाए थे, जैसे बैकुंठ पेरुमल टेम्पल, मुक्तीश्वरा टेम्पल, मतंगीश्वरा टेम्पल कांचीपुरम में बनवाए हुए हैं, ठीक है। पल्लवास ने और क्या क्या डेवलपमेंट, इस जो टेम्पल में स्कल्पचर है उसके अलावा भी बहुत सारे स्कल्पचर बनाए। ओपन आर्ट गैलरी थी ममल्लापुरम में, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे, स्कल्पचर ब्यूटी बताई गई है। उसके अलावा जो गंगा और जो अनंत अर्जुन थे जिन्होंने तपस्या की थी, उसकी बहुत सारी फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है। साथ में और क्या क्या किया है, मतलब उनके स्कल्पचर इतने ब्यूटीफुल होते थे, जैसे लाइस पिकिंग मंकी का फिगर बनाया, एलिफेंट बनाया ह्यूज साइज का, बड़े साइज का, एक एसेटिक कैट बनाई है जो एकदम सीधी खड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें मतलब इतने अच्छी तरीके से इनको शो करना, ये सब बताते हैं कि उनके जो उस टाइम के स्कल्प्टर हुआ करते थे वो भाई बहुत ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे। अब ठीक है, फाइन आर्ट्स में क्या क्या है, म्यूज़िक डांस पेंटिंग ये सब बहुत ज़्यादा किया करते थे पल्लवा रूलर। ममंदूर जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा वोकल म्यूज़िक के बारे में बताया। कुदुमिना मलाई इंस्क्रिप्शन है उसमें म्यूज़िकल नोट्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। फिर अल्बर्स और नयनमार्स जो थे उन्होंने बहुत सारे हाइम्स कंपोज किए हुए हैं, म्यूज़िकल नोट्स लिखे हुए हैं। डांस और ड्रामा में भी डेवलप हुए थे, स्कल्पचर्स तो हमने देखा ही डेवलप हुए थे। एक सीताना वसल पेंटिंग्स होती हैं, ये न्यूज़ में भी थी अभी। सीताना वसल पेंटिंग्स जो थी वो किस पीरियड को बिलोंग करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो ये किस पीरियड को बिलोंग करती है, तो पल्लवा पीरियड को बिलोंग करती है। फिर एक कमेंट्री है दक्षिण चित्र, वो मेनली किसके टाइम पे कंपाइल की गई है, महेंद्र वर्मन वन के टाइम पे कंपाइल की गई है, और जिससे इनको टाइटल मिला था चित्रकार पुली, ठीक है। तो ये हमने पल्लवा रूलर्स के बारे में देखा। तो हमने देखा कि पहले संगम एज हुआ करती थी तमिलनाडु में, उसके बाद कालभराज ने उसको एक्वायर कर लिया था, फिर पल्लवास आ गए थे। फिर पल्लवास ने भी तीन लाइन उनकी रूल की थी, पहले 250 से 350 एडी में किया था। उसके फेमस रूलर हुआ करते थे सिम्हा विष्णु और आई थिंक
ठीक है, दूसरे जो थे 350 से 550 के बीच में, उनके जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वे विष्णु गोपा थे, और फिर 550 से 9 सेंचुरी AD तक ऐसे तीन लाइन में ये पल्लवा रूलर्स चले थे। उसके बाद जो थर्ड लाइन थी उसमें महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन टू, ये फेमस रूलर थे। इन लोगों ने टेंपल आर्किटेक्चर में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया। मैं आपको तीनों के बारे में बता देती हूँ, महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन टू। ये पुलकेशिन टू से इनको डिफीट मिली थी, पर इन्होंने एक संस्कृत वर्क भी लिखा था जिसका नाम था माता विलासा प्रहासनम, ये इनका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स भी बनवाए थे, ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। फिर नरसिम्हा वर्मन टू, इनको ममल्ला बोलते थे या ग्रेट रेसलर, इन्होंने पुलकेशिन टू को हरा दिया था और बतापी को कैप्चर कर लिया था। इन्होंने टाइटल भी लिया था बतापी कोंडा ये, और इसके अलावा श्रीलंका को मैं नेवल एक्सपेडिशन किया था और उसमें भी वहाँ के रूलर को डिफीट कर दिया था। ये दो इम्पोर्टेंट एक्सपेडिशन है इनके टाइम की। और ये जो महेंद्र वर्मन वन थे, इन्होंने सारे रॉकट टेम्पल्स बनवाए थे। नरसिम्हा वर्मन ने पांडव रथ वन, पंच पांडव रथ बनवाया था, जो मोनोलिथिक रथ हुआ, मतलब एक पत्थर से पूरा रथ बनाया था। फिर नरसिम्हा वर्मन टू जो थे उनको राज सिम्हा बोला जाता था, क्या बोला जाता था, राज सिम्हा बोला जाता था। इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल बनवाए थे, एक तो शोर टेम्पल एट ममल्लापुरम और एक कैलाशनाथ टेम्पल एट द कांचीपुरम। अब ये जो ममल्लापुरम का स्टेप फाउंड किया था वो किसने किया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने किया था। ठीक है, ये सारा इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, देखो क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज थी पल्लवास के ओरिजिन की। और मेनली ये माना जाता है कि वो नेटिव से तोंडईमंडलम के। पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने बता दी, तीन लाइन, 250 से 350, 350 से 550 और 550 से 9 सेंचुरी AD। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता था, राजा के अंडर में सब कुछ हुआ करता था। ठीक है, और विलेज रिकॉर्ड्स रखने के लिए विलेज की एक सभा और कमेटी हुआ करती थी। साथ में जो ब्रह्मदेय और देवधन, मतलब जो टेंपल को भी लैंड ग्रांट्स किए थे तो ब्राह्मण को भी करते थे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन में टेंपल आर्किटेक्चर काफ़ी डेवलप किया है, यही सारी चीज़ें। बहुत सारे अलग अलग बहुत सारी अलग अलग वर्क भी लिखे गए हैं संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल लैंग्वेज में, तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। और इसके क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको बता देती हूँ ये सारे, कि पल्लवा रूलर हु डिस्ट्रॉय द कालभरास, किसने डिस्ट्रॉय किया था कालभरा, तो सिम्हा ये है, सिम्हा विष्णु ने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, हुएन सिंह किसने कांची को विजिट किया था नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पे, तो ये सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना आप कीजिएगा। अगर आप मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन ऑल्सो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको लिखेंगे और वर्ड लिमिट भी वही है जो UPSC वाले देते हैं, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स। आप एक बार इनको अटैम्प्ट कीजिए, आपको मतलब आपके बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न होती चली जाएंगी। आप जितना लिख लिख के लर्न करेंगे ना, हिस्ट्री का या किसी भी मतलब UPSC के सब्जेक्ट्स का की यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। और आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, अगर जैसे आप ये वीडियो देखकर भी आप पढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू राइट, मतलब आपको एक नोटबुक लेके बैठना है। मैं जो बोलते जा रही हूँ आप बस लिखते जाइए, आप लिखते जाएंगे ना, आप सिंपली लेट के मत पढ़िए वीडियो, लेट कर अब देखिए। ठीक है, जब आपको रिवाइज करना हो तब देखिए, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार ही अपने साथ नोटबुक लेकर आप लिखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब आपको इतना अच्छे से चैप्टर, और जितनी बार पढ़ेंगे ना आपको हर बार चैप्टर नया लिखेगा लगेगा और आप हमेशा नया सीखेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे यही है कि आप एक बारी नोटबुक ले लेकर बैठिए और उसमें लिखिए, लिख लिख कर आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।